Good morning, class 12. Good morning. Nikita, Shivam, Saurabh, Anjali, good morning. चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे. एनपीयू चल रहा था हम लोग का, राइट. क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एनपीयू. क्लियर. टॉपिक चल रहा था फंड बेस अकाउंटिंग. कल समाप्त किया हम लोग फंड बेस अकाउंटिंग. होप सारा क्वेश्चन बना होगा आपसे. अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट. आज का टॉपिक कुछ ऐसा था, परचेज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. क्लियर. आप परचेज कितना किए, आप सेल कितना किए, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, आपको प्रॉफिट हुआ अगर आप सेल किए हैं तो, लॉस हुआ अगर आप सेल किए हैं तो, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, उसको आपको निकालना सीखना हम लोग को, राइट. फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लोग शुरू करेंगे. चलिए इसको सीखने के हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन ही समझाते हैं आपको, क्वेश्चन को लेके ही समझाते हैं कैसे उसका लेजर बनेगा. क्लियर. और ये समथिंग रिलेटेड टू क्लास 11, डिफिकल्ट नहीं है. ये क्लास 11 से रिलेटेड है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट. आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा. बस याद रखिएगा एक छोटी सी बात, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन से ही लेके बताते हैं, ठीक है. डेप्रिसिएशन से ही बता देते हैं. अगर साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा याद रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा यहीं पे सीख लीजिए. क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन 10% पर एनम. तो साहब आपको मशीनरी का मंथ कंसीडर करना पड़ेगा, और साहब सिर्फ डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ रहेगा डेप्रिसिएशन 10% पर नहीं दिया हुआ रहेगा. तो आपको मंथ कंसीडर नहीं करना है, राइट. फिर से बात को सुन लीजिए. टॉपिक को शुरुआत करने के पहले मैं छोटी चीज आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन 10% पर एनम दिया हुआ है. इफ पर एनम इज मेंशन देन वी शुड कंसीडर द मंथ. मंथ शुड कंसीडर. इफ पर एनम इज नॉट रिटन आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर रेट देन मंथ शुड बी इग्नोर्ड, राइट. मंथ कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे. 99% क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पर एनम देना चाहिए और दिया रहता है. 1% क्वेश्चन में पर एनम छुटा रह सकता है, देख लीजिएगा, राइट. पर एनम ही देना चाहिए, और 10% लिखा हुआ है तो हो सकता है पर एनम छुटा हो, अदरवाइज आपको मंथ कंसीडर मत कीजिए. क्लियर. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से ही सब चीज समझाने का प्रयास करते हैं. क्लियर. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सुंदर क्वेश्चन आपके लिए, राइट. और आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है. बनाने के पहले बता दूं मैं, ये आसान है, ठीक है. ये देखो साहब, पहले क्वेश्चन समझ लेते फिर लेजर खोल के आपको सिखा देंगे, बहुत आसान. चलिए क्वेश्चन कहां से लिया हुआ है, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है. टीएस ग्रीवाल अंकल की किताब से लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. सुनिए, और वहां क्वेश्चन में 36 है, हां न्यू एडिशन का 36 है. देखिए द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 इज, बुक वैल्यू दिया हुआ फर्नीचर का,
बुक वैल्यू दिया हुआ फर्नीचर का साहब 60,000। चलो बढ़िया, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड, आधा इसका हम सोल्ड कर दिए, तो 60,000 का आधा हम सोल्ड कर दिए, 30,000 बेच दिए। बढ़िया, बेचिए, हाफ बेच दिए, फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 और 30th September 2019. Depreciation is to be charged on furniture 10% per annum. Depreciation कितना चार्ज करना है? 10% per annum चार्ज करना है। बढ़िया, पर लिखा हुआ है ना, तो मंथ कंसीडर करना है कि नहीं करना है? हां सर, कंसीडर करना है। ठीक है, कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सो द लॉस एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर will be shown in income and expenditure account for the year 31st March 2020 और बनाकर दिखाई। राइट, अब सीखे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पर लेजर कुछ सीख लीजिए, लेजर कुछ सीख लीजिए। क्लियर? तो क्वेश्चन तो रटा गया, क्वेश्चन रटा गया साहब, क्या रटा गया क्वेश्चन? फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया हुआ 60,000, हाफ फर्नीचर को हम सोल्ड कर रहे हैं 20,000 पे। राइट, किस दिन बेच रहे हैं? 30th September को बेच रहे हैं। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है साहब 10%। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए, राइट, हाँ जी, तुलसी गुड मॉर्निंग, रोनी ठाकुर गुड मॉर्निंग, सौरभ सर डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है मैं देख लेता हूं। नेक्स्ट, चलो सौरभ, हेलो सौरभ, इफ पॉसिबल देन सेंड क्वेश्चन नंबर 10 और माई व्हाट्सएप प्लीज, आज भेज दोगे तो आज ही सॉल्व कर दूंगा। राइट, चलिए लास्ट में देख लूंगा सौरभ क्वेश्चन को, स्टार्ट करूं। चलिए देखिए साहब, फर्नीचर अकाउंट मेरे को बनाना है, एसेट्स अकाउंट बनाना है, खूब अच्छे से लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ डैश फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये देखिए साहब, साहब डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज 30,000। अब जो मैं बताऊं उसको ध्यान से देखिए, पर लेजर पे एक बार सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देख के लेजर बना लेंगे। राइट, देखो फर्नीचर आपके पास जितना का होगा डेट, डेट
अब ये देखो 2019 फर्स्ट अप्रैल साल में शुरू का जितना फर्नीचर आपके पास होगा 2019 अप्रैल फर्स्ट लिख दीजिएगा। क्या लिखे लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, क्या लिखिएगा टू बैलेंस बीडी लिख दीजिएगा। पहले फॉर्मेट में बता दीजिए ना मेरे को टू बैलेंस बीडी लिख दीजिएगा, राइट क्लियर। आगे बढ़ू, हाँ सर। फिर जिस डेट को हम फर्नीचर बेचेंगे उसको यहां लिख दीजिएगा। सर इस क्वेश्चन में हम 2019 में ही सितंबर 30 को फर्नीचर बेच रहे हैं, तो साहब जिस फर्नीचर को आप बेच रहे हैं उसको आज अप्रैल से लेकर सितंबर तक आप यूज किए हैं, अप्रैल फर्स्ट से लेकर 30th सितंबर तक आप उसको फर्नीचर को यूज किए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना यूज किए आप, तो साहब जी 6 महीना का डेप्रिसिएशन को लिख दीजिएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। डेप्रिसिएशन 6 महीना का लिख दीजिएगा, जितना दिन उसको यूज किया उसको लिख दिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद साहब उसी दिन उसको बेच रहा है तो बाई बैंक कितना हम उसको सोल्ड किए उसको लिख देंगे, और बेचने से हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख दीजिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है, आई बात समझ में? चलिए ऐसे कर दिए। फिर क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि एक फर्नीचर और परचेस किए, तो अगर परचेस किए होंगे जिस डेट को परचेस किए होंगे वो डेट को क्या लिख देंगे टू बैंक अकाउंट इफ परचेज, इफ अगर परचेस किए हैं तो देख लीजिएगा, इफ परचेज अगर परचेस किए हैं तो क्लियर। आप सब फर्नीचर बेचे, बेचने से लॉस हुआ तो इधर लिखिएगा, बेचने से प्रॉफिट हुआ तो साहब यहां लिख दीजिएगा टू गेन, टू गेन गेन ऑन सेल ऑफ व्हाट फर्नीचर देख लीजिएगा। उसके बाद हम टोटलिंग कर देंगे, हम टोटलिंग कर लेंगे इसका, इधर टोटलिंग लिख देंगे इधर टोटलिंग देंगे, ये बैलेंसिंग आ जाएगा साहब 2020 मार्च 31st क्या लिख देंगे बाई बैलेंस व्हाट सीडी, बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे। चल बाई बैलेंस सीडी, यहां तक आई बात समझ में? क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना है, भूल ना जाना, साहब फर्नीचर पूरा बेच दिए तब तो ठीक है, और फर्नीचर कुछ हाफ कुछ पार्ट बेचे हैं तो कुछ तो पार्ट आपके पास है, कुछ तो पार्ट आपके पास है, जो पार्ट है उसका तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा उसका डिप्रिसिएशन। तो साल के अंत में 2020 मार्च 31st क्या लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिख दीजिएगा। डेप्रिसिएशन, राइट क्लियर। अब क्वेश्चन बनाते हैं और सिखाते हैं आपको, देखो और सीखो।
बाबू साहब एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू साहब। चलो फर्नीचर का बुक वैल्यू दिया हुआ है किस 60,000 साहब, यहां लिख दिए 60,000। वर्किंग नोट साहब, वर्किंग नोट, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000, आधा फर्नीचर बेच दिए। तो साहब 1 अप्रैल 2019 इस फर्नीचर का कॉस्ट जो सेल किए उसका कॉस्ट चाहे उसका बुक वैल्यू रुपीज हाफ, तो 60 का हाफ 30 था, आधा फर्नीचर बेचे हैं तो उस दिन इसका वैल्यू 30,000 था। साहब किस दिन बेचे हैं? 30th September 2019, लेस डेप्रिसिएशन, कितना मंथ का? सिक्स मंथ का डेप्रिसिएशन। साहब 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, तो 10% 3,000 होता है, 6 महीना का 1,500 होगा, लेस कर दिए 28,500। ये इस दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया। अब साहब इसको सोल्ड कर दीजिए एज पर क्वेश्चन, कितना में बेच दिए इसको? 20,000 में, 28 का चीज 20 में बेच दिए। साहब जी हम लोग को लॉस हो गया, साहब जी क्या हो गया हम लोग को? लॉस हो गया साहब जी, क्लियर? हम लोग को लॉस हो गया, राइट? हम लोग को लॉस हो गया। चलो फिर से करना पड़ेगा, हम लोग को लॉस हो गया। कितना को लॉस हुआ देख लो, 8,000 लॉस हो गया, 8,500 का। ये क्या हो गया बाबू साहब? लॉस ऑन सेल हो गया, क्लियर? लॉस ऑन सेल हो गया। आगे बढ़े? हां सर बढ़िए। तो देख लीजिए, ये आपका वर्किंग था, अब ये देखिए, सीखिए, जिस मशीन को आप बेचे उसका डेप्रिसिएशन कितना साहब? 1500। साहब कितना में बेच रहे हैं उसको? 20,000। बेचने से लॉस हो गया 8,500। और एक अच्छी बात बता दूं, इस वर्किंग को जोड़कर मशीन का बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, इक्वल टू बुक वैल्यू, याद रहेगा, इक्वल टू व्हाट? बुक वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं, हां सर 30,000 आ जाएगा, कैलकुलेशन सब हम लोग का सही है। साहब बेचने से प्रॉफिट नहीं हुआ, क्रॉस कर दिए, नया मशीन नहीं खरीदे, छोड़ दिए। अब एक चीज बताओ, हाफ फर्नीचर चाहे मशीनरी जो भी जिसका भी क्वेश्चन में रहेगा उसको हम क्या कर दिए बताइए? बेच दिए। अब आधा ही बचा है ना, तो अब आधा का आप यूज किए हैं, आधा कितना बचा है? 30,000 बचा है, तो फिर 30,000 पे वर्किंग कर लीजिए। तो साहब इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, रिमेनिंग मशीन पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, 30,000 क्या रेट है? 10% पूरे 12 महीना का, पूरे 12 महीना का साफ 3,000, तो यहां लिख दिए 3,000। अब ये देखो टोटल मशीन हमारे पास कितना का था? 60,000 का। कितना का था? 60,000 का, उसमें लेस कर लिए 33, साफ बैलेंस कितना आ गया? 27,000, राइट? अब देख लीजिए, अब सीख लीजिए,
क्या सीखना है सर? सीखना तो है, याद रखिएगा, ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इतना का हमारे पास फर्नीचर बचा हुआ है साहब, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, राइट, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा साहब, डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन दोनों को जोड़कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, अभी हम बना के दिखाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में साहब हमको लॉस हो गया है साहब, ये लॉस हो गया, ये भी साहब कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, राइट, बेचने से पैसा आया है तो रिसीट पन्नों में दिखता होगा, दिखाने की जरूरत हमको नहीं है, तो दिमाग में रख लीजिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्लियर। ये हुआ फर्नीचर का, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी एक और बना के देख लेते हैं हम लोग, चलिए तो आंसर थोड़ा लोग याद कर लेते हैं, क्या आंसर है? बैलेंस दिया हुआ है, लॉस आ गया, डेप्रिसिएशन टोटल चला गया, मैंने एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, कैसे बताइए सर पहले मेरे को, ठीक है तो आप देख लीजिए, तब आप देख लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद आप क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, खूब अच्छे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, ये देखो साहब, डेबिट एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साहब, बेचने से लॉस हुआ पहले, तो पहले लॉस के पहले आप डेप्रिसिएशन लिख दो, पर डेप्रिसिएशन चार्ज के तब लॉस ना हुआ होगा आपको, हाँ सर, तो साहब टू डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन को मिलाकर 4500, कैसे 1500 छह महीना का, 3000 पूरे साल का, बेचने से लॉस हो गया आपको, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना का लॉस हो गया जी? लॉस हुआ आपको 8500 का लॉस हो गया, 8500 का लॉस हुआ, राइट, बस। और जब क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस से बनाएंगे तो दिखाएंगे कितना का था फर्नीचर, कितना हो गया, 30 का था और साल के अंत में 27 हो गया, 60 का था ओपनिंग में 60,000 और क्लोजिंग में साहब 27,000, राइट, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्या आंसर था क्वेश्चन का, राइट, कोई डाउट? नहीं सर,
आंसर देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या है. सब रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ फर्नीचर ऑन द डेट ऑफ सेल इज 30,000 इज 30,000 ठीक है. लेस डेप्रिसिएशन 1500 साफ हो गया 28,000 देयर फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500 सही है. टोटल डेप्रिसिएशन 4,500 सही है. लेस फुल ईयर डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर ठीक है. कोई डाउट यहां तक हो जाएगा साहब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइए ये देखो साहब क्वेश्चन को पढ़ लो पहले. क्वेश्चन को देख लेते हैं. दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट वैल्यू ऑफ 2,20,000. कितना का वैल्यू है 2,20,000. बढ़िया से दिख रहा है जी. हां सर दिख तो रहा है. इन इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2019 इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग द बुक वैल्यू 20,000 जिसका बुक वैल्यू 20,000 था ऑन 1 अप्रैल 2019 एट अ लॉस ऑफ 20% 20% लॉस बेच दिया. कब बेच दिया ऑन 31 दिसंबर 2019. बढ़िया अप्रैल का चीज दिसंबर में 9 महीना बाद बेच दिया. बढ़िया ठीक है. फर्नीचर से डेप्रिसिएट 10% पर एनम लिखा हुआ है और फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 परचेज तो किए इस क्वेश्चन में. चलो उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बहुत अच्छा नहीं थोड़ा सा अच्छा है. क्लियर देख लीजिए हमें ठीक है सीख लीजिए. चलो साहब जी फर्नीचर अकाउंट खूब अच्छे से खुलेगा. फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट ऐसे कर दिए. फर्नीचर अकाउंट साहब जी डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज डेट पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज ऊपर लिख दीजिएगा. इन द बुक्स ऑफ जो नाम दिया देख लीजिएगा दिल्ली यूथ क्लब लिख दीजिए दिल्ली यूथ क्लब. चलिए अब ये देखो साहब
फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है, डेट हमारा 2019 अप्रैल फर्स्ट, लिख दिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है साहब, 2,20,000 राइट, दिसंबर में 2019 दिसंबर 31st को आप फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो पहले आप उसको यूज किए होंगे तो उसका डेप्रिसिएशन लिख दीजिएगा, उसी दिन उसको बेचे हैं तो बाई बैंक लिख दीजिएगा, बेचने से आपको लॉस हुआ होगा तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख दीजिएगा, इतना काम करना पड़ेगा, सही है। अब ये देखो, और दिसंबर के पहले अक्टूबर में ही एक और फर्नीचर खरीद लिए हैं, अक्टूबर में ही एक और फर्नीचर परचेज कर लिए हैं, ठीक है। तो साहब अक्टूबर देखो जी, अक्टूबर फर्स्ट में फिर एक परचेज कर लिए हैं बाई बैंक अकाउंट, ये तो अमाउंट मेरे को पता चल गया, 1,50,000 का परचेज किए थे, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये देखो जिस फर्नीचर को बेच रहे हैं उसका वर्किंग नोट देख लीजिए आप साहब, 1 अप्रैल 2019 उसका वैल्यू है, उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है साहब, उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है साहब, लिख दिए साहब, इसको 31st दिसंबर 2019 में सोल्ड कर रहा है तो इतना दिन का डेप्रिसिएशन हम लोग को लेस करना पड़ेगा, चलो लेस करते हैं, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ हो रहा है राइट, तो 20,000 का 20,000 का 10% 2,000 हुआ और 9 मंथ का 1,500 होगा साहब, अब उसका वैल्यू हो गया 18,500 किस दिन, इसी दिन, और इस दिन हम इसको सोल्ड कर दे रहे हैं साहब, कितना में सोल्ड कर रहे हैं बताइए, कितना में सोल्ड कर रहे हैं उसको, 20% लॉस में सोल्ड कर रहे हैं, अच्छा सेल भी नहीं दिया हुआ लेकिन लॉस वैल्यू दिया हुआ है, कोई बात नहीं लॉस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको लॉस हो गया, बढ़िया, तो ये लॉस हो गया, तब ये क्या आएगा, इसका सोल्ड वैल्यू आ जाएगा, हो गया, सोल्ड वैल्यू दिया था तो लॉस वैल्यू निकालते थे, तो लॉस कितना परसेंट बोला है बताओ, 20% बोला है, लॉस कितना बोला है 20% बोला है, तो ये देखो किसी भी अमाउंट का 20% निकालना है, अगर एक सुना आप ढक दोगे तो 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा राइट, तो 10% कितना हो गया 1850, तो 20% कितना होगा 1850 + 1850 37 3700 का लॉस, नहीं समझ में आया, फिर से 18,500 का 10% कितना होगा 1,850, एक सुना रखो 10% हो गया, उसका दुगना कर दो, उसका दुगना कर दो तो 3700, 10% 1850, 20% 3700, क्लियर, चलिए लेस कर देते हैं साहब, तो ये लेस कर दिए 8, 16 ये इतना में क्या किया हमने सोल्ड किया, चलो देख लेते हैं उस पर डेप्रिसिएशन, बाबू साहब देख लीजिए अब उस पर डेप्रिसिएशन 1500, उसको सोल्ड कितना में कर रहा है 14,800, लॉस कितना का हुआ 3700,
आई बात समझ में बच्चे? आई बात समझ में? ठीक, नो डाउट सर। बुक वैल्यू 2,20,000 है, बुक वैल्यू 2,20,000 है, 2,20,000 लिखे हैं, अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? ठीक, चलो अच्छे से लिख देते हैं, 2,20,000 सही। अब ये देखो, अब चलते हैं साल का अंत, तो 2020 मार्च 31st क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट्स पे। तो ये देखो 2 लाख में 2,20,000 सेल कर दिए, अब बचा कितना? 20,000 ही बचा। तो 20,000 का नहीं, फिर से 2,20,000 में 20,000 सेल कर दिया तो कितना बचा? 2 लाख बचा। 2 लाख को आप एक साल यूज किए हैं, तो साहब उसका डेप्रिसिएशन, फर्नीचर वन का डेप्रिसिएशन 20,000 आ जाएगा। क्लियर? और साहब इसको अक्टूबर में खरीदे हैं तो फर्नीचर टू इसको बोल देते हैं। अक्टूबर में खरीदे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना, तो एक साल एडिशन 15,000, तो 6 महीना एडिशन 7,500 ऐड कर लीजिए, 27,500। क्लियर? चलो अब ये देखो साहब, ऐड कर लेते हैं 3,70,000 साहब उसी दिन का बैलेंस आ गया, बाई बैलेंस सीडी। साहब इसको जोड़ के मैं आपको कुछ बोला था, कितना और किसके बराबर होगा? इसके बुक वैल्यू के बराबर। दैट इज व्हाट, 20,000 इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट सोल्ड। तो ये 20,000 और 27,500, 47,500 लेस कर लीजिए, लेस कर लीजिए, इधर लेस करके फिर रफ कर देते हैं, 3,70,000 में लेस कर देंगे 47,500। सही है साहब? ठीक है, 3,22,500 आई बात समझ में? क्लियर? एनी डाउट? नहीं, चलो आंसर टैली कराते हैं, आंसर क्या है, कैसे कैसे दिया है देख लेते हैं साहब आंसर को भी। ये देखो, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स 14,800। चलो ठीक है, लॉस ऑन सेल 37, तो डेप्शन ठीक ही निकला होगा, हो गया। और 2 लाख में वन देख लीजिएगा। अब हमारी बात क्या है देख लो, हमारी बात क्या है, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और डेप्शन इसको और इसको जोड़कर दिखाएंगे, टोटल डेप्रिसिएशन 27 और 15,500, 29,000 टोटल डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? ठीक है, अक्सर एग्जाम में फर्नीचर नहीं देता है, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ देगा, लेकिन यह भी कारण है कि नहीं देता है, सीबीएसई है, दे भी सकता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनाए, दो क्वेश्चन आप बुक से देख के बना लीजिएगा, इलस्ट्रेशन में होगा देख लीजिएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं अगला टॉपिक आज का। चलिए क्वेश्चन से ही समझाते हैं, सीखे क्वेश्चन को देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट टॉपिक है तो इसलिए डील करना पड़ा, आसान क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, बन गया होगा आपसे।
पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सैलरी दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट का सैलरी कितना हुआ, चलो बहुत सुंदर शुरू करें, आसान क्वेश्चन है देख लीजिए। ये देखिए सैलरी पेड कितना किए हैं, सैलरी हम पेड किए हैं 2,04,000, ऐड कर दीजिए इसको, ये इस साल का सैलरी है, ऐड कर दीजिए इसको, क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए अब ध्यान से देखना, अच्छा एक चीज बताओ, फिर से बता रहा हूं, आज साल का शुरू हो रहा है और आपके अकाउंट में सैलरी प्रीपेड है, आज साल का बिगिनिंग है और आज का सैलरी प्रीपेड है, तो किस साल के लिए बताओ, साल का शुरू में अगर एडवांस दे रहे हैं तो इस साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन यही साल के अंत में एडवांस दे रहे हैं तो क्या इस साल का दे रहे हैं, नहीं नहीं अगले साल का दे रहे हैं। तो याद रखिएगा हमारा डेट क्या है, 31 मार्च 2020, और सैलरी पेड 31 मार्च 2019, प्रीपेड एडवांस है तो ये इस साल का है, साहब इसको भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ये प्रीपेड अंत का है ना साहब, अच्छा बताओ साल के अंत में एडवांस दे रहे तो किस साल के दे रहे बताइए, तो किस साल के लिए दे रहे, एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे, सिंपल एग्जांपल बता रहे, ठीक है, क्या बता रहे, स्कूल के गेट में अर्ली इन द मॉर्निंग आप इंटर करते हैं, आपका फ्रेंड एक टाइगर बिस्किट का पैकेट देता है, तो क्या बोलता है, घर में खाना स्कूल में ही खा लेना, और स्कूल का छुट्टी हो रहा है और तब आपको टाइगर बिस्किट दे रहा है तो कब खाइएगा, स्कूल में खाइएगा, नहीं 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 घर में खाएंगे, तो सुबह में दिया मतलब आज के लिए, शाम में दिया कल के लिए, राइट, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, सैलरी साल के शुरू में एडवांस है तो इस साल के लिए, साल के अंत में अगले साल के लिए माइनस कर देंगे साहब, राइट, बाकी है साल के शुरू में बाकी है तो पिछला साल का है माइनस कर देंगे, और साल के अंत का बाकी है इस साल का है प्लस कर देंगे, राइट, आंसर आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट, तो क्वेश्चन क्या था, एसर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे चार्जेबल होगा बताइए मेरे को, कितना चार्ज होगा, तुरंत 2 मिनट बन जाएगा साहब जी, देख लो साहब जी देख लो, देख लीजिए, राइट, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, राइट, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, ठीक है, ये लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया, राइट, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे बनाएंगे राकेश सर बताइए मेरे को, तो ऊपर लिख दिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिया साहब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, इन द बुक्स ऑफ जो क्लब है देख लीजिएगा, ऐसे कर दिया साहब, चेक कर लेते हैं कहां तक ही लिखना है, ठीक है, राइट, ऐसे कर देंगे साहब, अब
income and expenditure account. हो गया साहब, डेबिट एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, साहब इनकम अमाउंट रुपीज। आपका मन, ये स्टेटमेंट को बाहर बना लो, आंसर को डायरेक्ट लिख दो या यहीं पे प्लस माइनस कर लो, समय है। अगर आपके पास समय है तो स्टेटमेंट बाहर बना लीजिए, फिर इनकम एक्सपेंडिचर बना लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर भी ऐड करके दिखा दीजिए, राइट। चलो हम डायरेक्ट करते हैं साहब, डायरेक्ट करते हैं साहब। देखिए ना, ऐसे लिख दीजिएगा टू सैलरी, ऐसे कर दीजिए सिंपल टू सैलरी, ठीक है साहब जी। पेड During the year कितना paid किए हैं साहब, paid during the year कितना paid किए हैं देख लीजिए, 2,04,000 साहब। फटाफट ऐड कीजिएगा, दो चीज ऐड कीजिएगा, दो चीज लेस कर दीजिएगा। ऐड क्या कीजिएगा सुन लीजिए, क्या चीज ऐड करना है साहब, एडवांस देख लीजिए, सब चेंज हो रहा है ड्यू टू लेस प्लेस। ओपनिंग एडवांस को ऐड कर दीजिएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दीजिएगा। ओपनिंग एडवांस कितना है साहब देख लीजिए, ये ओपनिंग एडवांस और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग साहब 24,000 साहब 1,500 ऐड कर लीजिएगा, हो गया ठीक है, आसान काम है। टू लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड कोई डाउट साहब, लेस कर लीजिएगा, इसमें लेस कर लीजिएगा। सर क्या लेस कर लेंगे, क्लोजिंग एडवांस क्योंकि अगले साल के लिए है याद रहेगा, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लियर, सैलरी 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 सैलरी, ठीक है। चलिए क्लोजिंग एडवांस कितना है देख लीजिए, क्लोजिंग एडवांस साहब 12,000 और फिर साहब 18,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 लेस करना है साहब, लेस कर लीजिए तो 12 और 18 40 30 12 और 18 30 साहब 30 इसमें लेस कीजिए 2,13,000। देखिए आंसर क्या दिया है सर आप लोग का, यही आंसर है, यही आंसर है, सही है राइट ठीक है। लेकिन अगर इतना ही बनाना रहता तो हम क्वेश्चन को नहीं बनाते, आंसर यही निकाल देते। लेकिन दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन में ऐसा ऑब्जेक्टिव आने लगा है ना आजकल सीबीएसई में, हाँ सर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन में दिया रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर, आप इतना दिखा रहे हैं, आप रिसीव निकालिए, आप ओपनिंग और क्लोजिंग निकालिए, एडवांस एट बिगनिंग निकालिए, तो फिर आपको इसी क्वेश्चन में क्या तैयार करना पड़ेगा आपको, तब स्टेटमेंट से नहीं बनेगा, तब आपको लेजर तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, लेजर तैयार करना पड़ेगा। आइए लेजर देखते हैं कैसे लेजर बनेगा ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हो गया। चलिए अब लेजर देख लेते हैं। फिर से लेजर क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग निकालना पड़ सकता है। ये देखो लेजर देख लेते हैं क्या लिख दिए। सैलरी अकाउंट बाबू साहब, ये डेबिट ये क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सही है, इतना लिख लिया आप? हां सर लिख लिए। अब ये देखो सीखो जो बता रहा हूं, ये ओपनिंग हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा, हम लोग ओपनिंग 2020 अप्रैल फर्स्ट, यहां भी 2020 अप्रैल फर्स्ट, ये क्लोजिंग हो गया 2020 फर्स्ट मार्च 31st मार्च 31st क्लियर। 1920 है, 1920 है, राइट कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब खूब अच्छा से देखना, छोटा चीज है देखना ध्यान से, सिंपल सा चीज है सीखने का तरीका, दो तरीका से बता रहे। अच्छा ये बताइए आप सैलरी पेड की एंट्री क्या होता है बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम सैलरी पेड किए हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, ऐसा एंट्री होता है साहब जी। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बच्चा का चीज है, नहीं जरूरत है लिखने का। क्या होगा जर्नल बोलिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक या कैश किए होंगे, कितना किए होंगे, 2,04,000 और 2,04,000 हो गया ठीक है। अब बताइए सैलरी डेबिट है ना, देखिए सैलरी को डेबिट किया ना, तो सैलरी के डेबिट साइड जाएंगे साहब जी, खूब अच्छे से साहब यहां टू क्या लिख देंगे, बैंक पेड कर ठीक है, बैंक लिख दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दीजिए, बेटर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही लिखिए, क्योंकि सैलरी इकट्ठा आप लिख रहे हैं, पूरे साल का सैलरी इकट्ठा लिख रहा है साहब जी, तो इसके जगह पे बेटर क्या है साहब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दीजिए आप। तो साहब जी टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि पेड किए आप, ये कौन सा है साहब जो कि पेड किए हैं, कितना पेड किए बताइए आप, 2,04,000 राइट।
ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, ये एक्सपेंस है तो इसको कहीं ट्रांसफर करेंगे, कहीं ट्रांसफर करेंगे तो ये जनरल एंट्री में डेबिट है, कहीं कहीं भी ट्रांसफर करना है, ये मत बोलिए इनकम एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट, कहीं भी ट्रांसफर करना है साहब ये डेबिट है ना, तो साहब ये क्रेडिट हो जाएगा ना। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पीएल अकाउंट में जाएगा, अगर एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, राइट। और अभी तुरंत आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, तुरंत आप पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, मत लिखिए अभी, मैं लिख के मिटा दूंगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वादा किए थे मिटाने का। तो ये बताइए जितना सैलरी इस साल का होगा उसको हम लोग यहां लिख देंगे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना साहब, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ऐसे कैलकुलेट तो कर चुके हैं उसके बाद भी करेंगे, ये हम वहां पे क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए, क्या कर दिए ट्रांसफर कर दिए, राइट। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं सर, अब आगे बढ़े। हां सर बढ़िए, ठीक है। देखिए अब बदमाशी, छोटा सा बदमाशी आपको सिखा रहे हैं, रिसिप्ट जितना पेड किए थे तो इसके सामने हम ऐसा ऐड के साइन मारे थे, देखिए तो ऐसे ऐड का साइन मारे थे यहां पे, मारे थे ना, हां सर, तो यहां भी ऐड का साइन दे दीजिए, यहां भी ऐड का साइन दे दीजिए, यहां भी माइनस साइन दे, यहां भी माइनस का साइन दीजिए, थोड़ा बदमाशी है, थोड़ा सा बदमाशी है, ठीक है। अब ये देखो ऐड, अब तुम ही लोग बताओ ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग एडवांस, हां राकेश सर ओपनिंग एडवांस, क्योंकि सर बताए थे सुबह में मेरा फ्रेंड टॉफी दिया तो इसी दिन के लिए दिया है ना, राइट। तो साहब याद रखिएगा यहां पे टू एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, और यहां पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो साहब यहां क्या हो जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग वाला, और यहां क्या हो जाएगा बाई एडवांस सैलरी, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं 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 आया आप लोग, फिर से सुन लीजिए, आपको याद है एडवांस सैलरी हम ऐड करते थे, एडवांस सैलरी क्या करेंगे ऐड, ओपनिंग एडवांस ऐड होता था ऐड कर, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता, ओपनिंग एडवांस आता क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। देख लीजिए तो ये बताइए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, ओपनिंग एडवांस कितना, देख लीजिए साहब ये ओपनिंग एडवांस था कितना, ओपनिंग एडवांस है 24,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है देख लीजिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1500 लिख दिए, ओपनिंग एडवांस कितना था देख लीजिए, और ये कितना था देख लीजिए, ऐड कर दीजिए साहब तो 48, 28, 38, 28, 10, 38 और 5, 2,38,43 साहब, 2,43,000 इसमें 30 लेस किए 2,30,000, क्लियर, ठीक है। और मन में जो बात सुनना चाहते हैं उसको भी आप सुन लीजिए, ये देखिए हम एडवांस सैलरी है ना साल के शुरू में एडवांस प्रीपेड किए हैं, एडवांस किया साल के शुरू में ना, तो साहब जब आप एडवांस किए हैं, ये एडवांस पेड किए, ये हम लोग के लिए एसिड्स होता है, और एसिड्स कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, तो डेबिट साइड लिख दिए, आउटस्टैंडिंग है साल के शुरू में बाकी है तो साहब ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ऐसे भी कर सकते हैं, और जो प्लस आइटम होता है उसे भी कर सकते हैं, राइट। तो देख लीजिएगा
तो लेजर क्यों बनाए? हो सकता है क्वेश्चन में ये सारा दे दे, हमको क्लोजिंग निकालने बोल दे, हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दे दे, हमको रिसिपिएंट अकाउंट का बोल दे। तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ठीक है, और क्लास मिस नहीं करेंगे। कल से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे एनपीओ का, जिससे बैलेंस से बड़ा सीखेंगे भी, राइट। कल क्लास मिस नहीं करना हम लोग को, यही टाइम 7 AM, क्लियर। विश यू गुड टाइम, बाय।